नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आदित्य और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। वक्त हो चुका है आज की कुछ खास खबरों का, तो आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। कोलियरी मजदूर कांग्रेस रेड़प्पा के क्षेत्रीय कार्यालय में बैठक कर क्षेत्रीय कमेटी के नवनियुक्त पदाधिकारियों ने एक दूसरे से परिचय प्राप्त किया। इस दौरान मुख्य रूप से मौजूद सुरेंद्रनाथ झा ने क्षेत्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार तिवारी, सचिव देवनारायण चौधरी सहित सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को माल्यार्पण सम्मानित किया। मौके पर उन्होंने कहा कि कोलियरी मजदूर कांग्रेस का उदय ही मजदूर हितों की रक्षा के लिए हुआ है। इधर क्षेत्रीय अध्यक्ष और सचिव ने कहा कि मजदूरों की समस्याओं पर अब मौन नहीं रहा जाएगा। संगठन अब माननीय सरयू राय व रामेश्वर सिंह फौजी के मार्गदर्शन में जोरदार तरीके से मजदूरों की लड़ाई लड़ेगा। झारखंड के रामगढ़ से शिवशंकर तिवारी की रिपोर्ट। कोलियरी मजदूर कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना। हमारा मजदूर भाई बहुत त्रस्त है, और भी यूनियन के भाई लोग काम करते हैं, लेकिन हमारा कोलियरी मजदूर का जो काम होगा अन्य कोलियरी मजदूर के हिसाब से, अन्य यूनियनों के हिसाब से बढ़ चढ़ कर होगा। जो काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, अभी तक नहीं हुआ, वो काम हम लोग मांगते हैं, आके दीजिए, मिलिए। वो काम जो काम होने के लायक होगा वो होगा। बहुत मजदूर यूनियन के तरफ से काम होता है, लेकिन लास्ट में जाकर पता चलता है कि काम नहीं हुआ, तो निराशा होती है। इसीलिए हम लोग कोलियरी मजदूर कांग्रेस को उपरित करके बृहद रूप से बढ़ चढ़ कर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों का हाल फिलहाल में रजिस्ट्रेशन भी मिल गया। इस रजिस्ट्रेशन का उद्देश्य ये नहीं है कि हमारे यूनियन का रजिस्ट्रेशन मिला, हम मजदूर भाई जो दबे कुचले हैं उनका रजिस्ट्रेशन हुआ। और इसके साथ हम यही सांत्वना देंगे सभी को कि आप बढ़ चढ़ कर आएँ, साथ हों और विकास करें। ठक कोलियरी मजदूर कांग्रेस CMC के द्वारा यूनियन कार्यालय में आहूत किया गया, जिसमें नवयुक्त सभी पदाधिकारियों का एक दूसरे से परिचय हुआ, और आगे जो भी मैनेजमेंट के साथ बात किया जाएगा उसकी जानकारी आप लोगों को भी दिया जाएगा। और यूनियन अपनी बात बहुत ही मुस्तैदी के साथ, मजदूरों के हित की बात मैनेजमेंट के साथ रखेगा, और अगर मैनेजमेंट किसी तरह का कोई करता है तो हम लोग एकजुट हैं और उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।